प्रदेश में सरकारी नौकरी और बीपीएल परिवारों को 100-100 गज के मुफ्त प्लॉट की स्कीम मौजूदा प्रदेश सरकार के लिए अब गले की फांस बन गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद तो ये दोनों मुद्दे अब चुनावी मुद्दे बन रहे हैं। गौरतलब है कि 100-100 गज के मुफ्त प्लॉट देने की स्कीम का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2008 को कांग्रेस सरकार में पानीपत से ही किया गया था। तब सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी। भूपेंद्र हुड्डा सरकार की इस योजना को बीजेपी सरकार ने आते ही बंद कर दिया था। लगता है प्रदेश में सरकारी नौकरी और गरीबों को 100-100 गज के मुफ्त प्लॉट की स्कीम मौजूदा सरकार के लिए गले की फांस बन गई है। 2 अक्टूबर 2008 यानी कांग्रेस सरकार के शासन में गांधी जयंती के दिन यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने पानीपत से ही बीपीएल परिवारों को 100-100 गज के मुफ्त प्लॉट वितरण की योजना का शुभारंभ किया था। तब कांग्रेस सरकार के रहते 2014 तक हुड्डा सरकार ने सूचीबद्ध किए गए 7 लाख परिवारों में से ऐसे 3,92,000 परिवारों को प्लॉट बांट भी दिए थे। इसी बीच 2014 में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई। इस सरकार ने फैसला लिया कि हम मुफ्त में कोई भी चीज नहीं बांटेंगे। बीजेपी सरकार में स्कीम रोक दी गई। अब लोकसभा चुनाव में नतीजे को देखकर सरकार ने फिर 100-100 गज के प्लॉट के बदले 1-1 लाख रुपए देकर नाराज लोगों को खुश करना चाहा। चूंकि ये मामला अब चुनावी मुद्दा बन गया है, पहले कांग्रेस की बात। ये तो एक ढकोसला है जो 100-100 गज के प्लॉट जहाँ तक बात है, महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना हमारी थी, इन्होंने वो बंद कर दी थी, अब भी चालू नहीं की। लेकिन जो कुछ प्लॉट जिनका पोजीशन नहीं मिला था किसी डिस्प्यूट की वजह से, उनका डंडोरा पीट रहे हैं, वो स्कीम अभी इन्होंने नहीं ली है। गौरतलब है कि 30 जून को पानीपत में ही मौजूदा सीएम नायक सिंह सैनी ने भी राज्य स्तरीय आयोजन में 100-100 गज के प्लॉट के बदले 1-1 लाख के 10 लोगों को टोकन दिए। पानीपत के समारोह में ऐसे बहुत से लोग पहुंचे थे जिन्हें बुलाया ही नहीं गया था। प्लॉट ना मिलते देख ऐसे लोग सीएम के भाषण के बीच ही उठकर जाने लगे। जिन्हें कदे गरीब का दुख दर्द ना जाना हो, गरीबी हो के या बेरहे ना हो, और वो आदमी कहे कि हम गरीब आदमी खातर यू काम करेंगे, गरीब खातर यू करेंगे, वह तो करण की बात कर रहे हैं। इसने तो कर दिया, करेगा नहीं, कर दिया। और के कर दिया। उधर जिले से पंचायत एवं सहकारिता मंत्री महिपाल ढांडा के पैतृक गांव कवि में लोगों को लाने गई 3 बसों में बैठे लोग बस चलने से पहले ही उठकर नीचे आ गए। जब उन्हें सरकारी कर्मचारी उन्हें कुछ कागज देने चाहे, लोग बोले इतने साल बाद हमें कागज नहीं प्लॉट चाहिए। गौरतलब है कि हुड्डा सरकार में जिन 1,062 लोगों को प्लॉट देने की तैयारी थी, मौजूदा सीएम ने उनमें से 10 ऐसे परिवारों को 1-1 लाख के टोकन दे दिए। ये प्लॉट खरीदते वक्त विक्रेता के खाते में जमा हो जाएंगे। पर अब तब की सरकार की घोषणा का इतने साल बाद भी पूरा ना होने और सरकार के 1-1 लाख रुपए देने से ऐसे परिवार नाराज हो गए हैं। यही हाल सरकारी नौकरियों का भी है। यानी प्रदेश में सरकारी नौकरी और 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम सरकार के लिए जी का जंजाल बन गए हैं और चुनाव सिर पर हैं। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।